Assalamu alaikum. We are discussing today June 2022. Paper is 21. ये भी एक लेटेस्ट पेपर्स में से एक है और इस पेपर का थ्रेशोल्ड सबसे पहले नोट कर लो 67 आउट ऑफ 100 पर ए है और 168 आउट ऑफ 200 पर ए स्टार है. Assalamu alaikum. Afan, can you hear me? Ji sir, awaaz aa rahi hai. Eid Mubarak, Afan. Eid Mubarak, sir. Afan, kaisi taiyari hai? Kya position hai? What's going on? Aur bhi taiyari sahi hai. Agar tumne threshold note kar liye hai, to usko shuru kar lete hain. Tum chaho to usko screen pe dekh lo ya download kar lo. Jaise maine advice kiya tha na ki latest papers jo hai na, unko download karke print kar lo. 2022 और 2021 और फिर उनको पेपर पर सॉल्व करो तो एडवांटेज होगा. इन 2020 द रनिंग कॉस्ट फॉर फ्रेडरिक कार वाज $5,200. 28% ऑफ द रनिंग कॉस्ट वाज स्पेंट ऑन इंश्योरेंस. 3.25 ऑफ द रनिंग कॉस्ट वाज स्पेंट ऑन मेंटेनेंस एंड 740 इज द स्पेंट ऑन टैक्स. द रिमाइंडर ऑफ द रनिंग कॉस्ट वाज स्पेंट ऑन पेट्रोल. तो ये उसने उसका ब्रेकडाउन दिया है अमाउंट फ्रेडरिक स्पेंट ऑन पेट्रोल. तो ऐसा करते हैं कि पहले तो ये 5200 ही रख लेते हैं. और फिर इसमें से माइनस करते हैं.
देखो ये वर्किंग है, टू थ्री एट जीरो इन 21 द टैक्स इंक्रीज्ड बाय 1.5%, तो अब उसमें टैक्स था 740, तो मैंने जो नई प्राइस है उसको मैंने सपोज कर लिया, ये वर्किंग देखो, सेवन फिफ्टी वन पॉइंट वन Then he says in January the cost of petrol is 2.20 per liter. Find the cost of 38.7. The average amount of petrol Frederick Carr uses is 7 liter per 100 kilometer. In general, he spent 21506 on petrol. So, ye bhi ratio se kar lete hain. इसने पहले बिल बनाया 215.6, इसको पहले इस बिल को ना उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में, डॉलर से पता करना पड़ेगा कि इसमें लीटर कितने आए हैं. 2.20 डॉलर पर लीटर है.
पहले ये पता कर लेते हैं कि लिटर कितने हैं इसके पास ना. जब हमें लिटर्स की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर उस पर रेशियो लगा लेते हैं. तो ये मुझे बताना कितना आता है. 215.60 अपॉन 2.20 98. हमारे पास इसका फाइनल आंसर आया तो मुझे भी शेयर कर देना.
अपन, लेट मी नो वंस यू आर बैक. ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देख लो. फरवरी द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस टू 2.24 और हमने उसमें परसेंटेज इंक्रीज का मैंने फॉर्मूला लगाया. आप भी इसको वर्कआउट करो. सही है, अच्छी बात है. अब ये वाला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं. ये वाला क्वेश्चन पढ़ो.
अब इसे दूसरा कैसे बनाया? पहला वाला तो इसने ऐड करके बनाया है, दूसरा कैसे बनाया? टू के बाद एट, 88 के बाद 18, तीसरा तो नजर आ रहा है कि वो तो ऐड होके बना है। वो तो आसान है, बीच वाले का मसला हल करो कि तुम्हें समझ में आ रहा है बीच वाला कैसे बना है। मुझे लगता है कि इसमें टू के आगे वन से टू बना, टू से एट बना, पैटर्न तो हमें चाहिए, एक पैटर्न चाहिए। वैसे तो गिन तो सकते हैं नंबर फोर, नंबर फाइव, आप फोर तो गिन सकता हूं, लेकिन गिनना इस चैप्टर में नहीं आता ना। इसमें इस चैप्टर में असल जो स्किल है वो तो असल स्किल ये है कि आप इस चैप्टर में कुछ पैटर्न बना ले। पहले वाला तो एपी बन रहा है, अच्छा तो तुमने कैसे निकाला? 32 गिना है क्या? सर वो हर डायग्राम में एक और लेयर डाल रहे हैं व्हाइट वाले स्क्वायर्स का, तो और हर लेयर पिछले लेयर से दो ब्लॉक बना है, तो फोर में नया लेयर सात का है तो फिर 14 ऐड करेंगे, फाइव में नया लेयर नौ का होगा तो फिर 18 ऐड करेंगे, जो राइट सिक्स में नया लेयर 11 का होगा। लेकिन इसे समझ में आ गई, ये तो तुमने डायरेक्ट काउंट कर लिया ना, ठीक है। अब मसला ये है कि ये वाला पार्ट तो हो गया आराम से, पार्ट बी में तो एपी बन रही है, ग्रे टाइल्स इन पैटर्न एन, फिर वो कहते हैं कि पैटर्न के हैज 98 ग्रे टाइल्स,
find an expression in terms of n for the number of white tiles in pattern n. अभी white tile मसला बनी हुई है. White tiles का अब वो कह रहा है कोई pattern बना लो और white tile का expression बनाओ. अब white tiles का pattern जो है वो बनाए क्या, वो AP तो नहीं लग रही मुझे. टू के बाद एट है, एट के बाद 18 है, फिर 32, फिर 50. पैटर्न अभी तक तो नहीं मिला, तो मैं अगर कोई पैटर्न कोई लिंक समझ में आए सर मुझे बस ये समझ आया कि पैटर्न वन में वाइट टाइल्स 2n है और पैटर्न टू में 4n है, पैटर्न थ्री में 6n है, तो फिर जो मल्टीप्लायर है वो 2 से इंक्रीज हो रहा है. हाँ लेकिन इसका कोई फिक्स फॉर्मूला बनाना है ना, मसला ये है. वो तो एक एक नंबर ऐड करके फॉर्मूला तो नहीं बन पा रहा ना, मतलब इसमें फॉर्मूला ढूंढना है कि फॉर्मूला बनाने के लिए, जैसे एपी में सिंगल फॉर्मूला बन गया ना, 4 4 4 ऐड हो रहा है थ्रू आउट द वे, एक ही पैटर्न है. या तो नंबर ऑफ टाइल्स का कोई टोटल नंबर ऑफ टाइल्स का कोई पैटर्न बन जाए, उसका भी नहीं बन रहा अलग से, अगर उसका पैटर्न बन जाए वो भी सही हो जाएगा. पहले पैटर्न ढूंढना पड़ेगा. हाँ एक पैटर्न मिल रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है. जरा देखना है अगर तुम्हें समझ में आता है. वन को टू से मल्टीप्लाई किया है, टू को फोर से मल्टीप्लाई किया है, थ्री को सिक्स से मल्टीप्लाई किया है और फोर को एट से मल्टीप्लाई किया है. जरा चेक करो ये पैटर्न. मैंने यही कहा था लेकिन पता नहीं कि इसको फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे. उसके लिए हम ये करते हैं ना कि हम एक वो बनाते हैं, जैसे ये लोग कहते हैं ना कि आप एक पैटर्न की लिस्ट बना लें, 1 2 3 4 और फिर n. ठीक है, आगे आपके पास नंबर ऑफ वाइट टाइल्स हैं. व्हाइट टाइल्स में 2 8 18 ऐसे लिख दिया मैंने. ठीक है, पहला वाला जो है वो ऑर्डर है तो वो तो 1 2 3. अब इसमें देखो कैसे जनरेट करोगे, तुम लिखोगे 1 into 2 2 into 4. देखो वही नंबर जनरेट हो रहे हैं जो पहली लाइन में लिखे हुए. ये देखो
ये जनरेट हो गया, अब इसको उसी पैटर्न में लाऊंगा ताकि ये एन बने, फिर आप लिखोगे वन इंटू वन प्लस वन, टू इंटू टू प्लस टू, यहां टू 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 ऐड हो रहा है, इसका पैटर्न अलग से बना सकता हूं, देखो ये पैटर्न बन गया। जब आप इसको नीचे लाओगे तो इसको n में लिखो, जब n में लिखोगे तो ये होगा n इंटू n प्लस n, और ये क्या बनेगा n इंटू टू एन, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा 2n क्यूब। अब जो पैटर्न तुम्हारे पास बना है तुम इसको टेस्ट कर सकते हो, तुम इसमें एन की जगह वन डालो, एन की जगह टू डालो, तो जो तुम पुट करते जाओगे ना वो वही सब, बोलो वन स्क्वायर नहीं बनेगा, वन स्क्वायर नहीं बनेगा, सॉरी ये टू एन स्क्वायर नहीं होगा, टू एन क्यूब क्या होता है, टू एन स्क्वायर ही लिखा हुआ है, सही वो शायद बोलते हुए मैंने टू एन क्यूब बोल दिया था। Find the total number of tiles in pattern 20. पहले टोटल का फॉर्मूला बना लेता हूं, पहले वाले का है 2 प्लस 4 है, इसका आंसर आया तो मुझे बताओ। $882 looks fine. The graph shows the cost in dollar of buying a length of fabric T meter long. Use the graph to find the cost of buying 3.8 meter of fabric. 3.8 ko yahan read kar lo.
देखो मेरे पास 28 आ रहे हैं, Samira buys K meter of fabric. She pays with a $1.20 note and receive 1.50 change. So, मेरे पास ये आ रहा है 2.5 meter. Anita cuts 10 meter of fabric into 3 lengths to make a blouse, a skirt, and a dress.
The length of fabric needed to make the blouse socket are in the ratio 6, 8, 11. Find the length of the fabric that is cut to make the dress. Happy anniversary. देखो ये वाला फॉर्मूला देखें, रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल, देखो मैंने इसकी वर्किंग की है और ये फॉर्मूला लगा के ये तीनों सेगमेंट्स की वैल्यू निकालो और फिर शेयर करो। The upper bound for the area of a rectangular piece of fabric is 8. This. The width of the piece of fabric is 2.3 meter. Correct to the nearest. कह रहे the value of D. अब ऐसा करते हैं कि nearest point one meter का मतलब क्या है कि इसको आधा कर दो.
देखो इसको आधा कर दो, आधा करके ऐड करोगे तो अपर बाउंड आएगा, और वो करोगे माइनस करोगे तो लोअर बाउंड आएगा। उसने जो वैल्यू दे रखी है वो ऑलरेडी एरिया की दी हुई है, मैंने लेंथ का अपर बाउंड सॉरी विड्थ का अपर बाउंड लगा लिया और ये वाली वर्किंग देखो और आंसर निकालो। चलो इसको फिर यही तक रख लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह हम अपनी जो अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज। हाफिज सर।